नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। TV20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिनसेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बेहतरीन इलाज की सुविधा के लिए लोग विदेश से भी आजमगढ़ आने लगे हैं। कुछ दिन पूर्व बांग्लादेशी नागरिक यहां आकर इलाज कराएं और स्वस्थ होकर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप का शुक्रिया अदा करते हुए अपने देश चले गए। अब ताज़ा मामला है कि लुआंडा अंगोला के डायरेक्टर और अंगोला न्यूरोसर्जिकल कॉलिंग के प्रेसिडेंट डॉक्टर मायंडा एंडी द्वारा अपने देश की स्वास्थ्य सुविधा को देखते हुए यहाँ के मरीज भारत यानी अब लाइफ टाइम आगरा की इलाज करवा रहे हैं। दुनिया के कई देशों के मुकाबले भारत की चिकित्सा व्यवस्था काफ़ी सस्ती है। इसी वजह से बहुत से विदेशी नागरिक हर साल भारत आकर अपना इलाज करवाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा हील इंडिया योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य भारतीय चिकित्सा स्वास्थ्य का पूरी दुनिया में प्रचार करना है। आजमगढ़ भी अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में नया कीर्तिमान गढ़ने जा रहा है। आजमगढ़ लाइफलाइन हॉस्पिटल द्वारा पहले भी अपने संसाधनों और कुशल कार्यप्रणाली के चलते कई बड़े सेंटरों से निराश विदेशी मरीजों का सीमित खर्चों में इलाज कर उनके और उनके परिजनों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम किया है। हॉस्पिटल के प्रमुख न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि अब अंगोला के मरीज भी उनके सेंटर में आकर इलाज कराएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंगोला की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जहां स्वास्थ्य और सेवाएं बहुत खराब है। यह मलेरिया, कालरा, जीका आदि बीमारियों का कहर देखा जा चुका है। अंगोला में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा गंभीर रूप से कम संसाधनों और कर्मचारियों की कमी है। ऐसे में डॉक्टर अनूप के पहल से उस देश के मरीजों को काफी मदद मिलेगी। दरअसल CNCTH अस्पताल लुआंडा अंगोला के डायरेक्टर और अंगोलन न्यूरोसर्जिकल कॉलेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर मायंडा एंडी द्वारा अपने देश की स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को देखते हुए वहां के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए काफी देशों में घूमकर इंटरनेट आदि के जरिए अपने देश के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए देश के कई बड़े डॉक्टरों से बात और मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आजमगढ़ के बहुचर्चित केस की इंटरनेट से जानकारी हुई। तत्पश्चात उन्होंने इंटरनेट के जरिए से डॉक्टर अनूप के केस और लाइफ लाने के बारे में जानकारी हासिल की एवं उपलब्ध जानकारी से प्रभावित होने के बाद उन्होंने डॉक्टर अनूप सिंह से संपर्क किया और मिलने की इच्छा जताई। डॉक्टर अनूप की सहमति के बाद वो आजमगढ़ आए और लाइफलाइन को देखकर एवं यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इलाज की गुणवत्ता को देखकर तो वो यहाँ के कार्य से बहुत प्रभावित हुए। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर अनूप ने बताया कि डॉक्टर मायंदा द्वारा हमारी सहायता से अंगोला में न्यूरोसर्जिकल केयर की गुणवत्ता बढ़ने के लिए और आपसी संबंध विकसित करने की गहरी दिलचस्पी दिखाई दी है। जिसके बाद हम लोग दोनों लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लाइफलाइन हॉस्पिटल की सहायता से हम अंगोला में न्यूरोसर्जिकल केयर में सुधार के लिए कौशल परामर्श और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। जिन मरीजों का इलाज अंगोला में नहीं हो पाएगा, वैसे मरीजों का इलाज हम लाइफलाइन हॉस्पिटल में करेंगे और मेडिकल सुविधा मुहैया कराएंगे। इस सेंटर को WSO की ओर से 3 AHPI, 2 डायमंड अवार्ड सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके साथ ही इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। मीडिया से बातचीत करते हुए न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप यादव और डॉक्टर मायंडा एंडी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आ, 2022 के आखिरी में एक हम लोग सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म पे आपस में एक चैट हुआ, एक लाइफलाइन में ऑपरेट हुए एक केस को हमने पोस्ट किया था, जिसको देख करके अंगोला के सीनियर न्यूरोसर्जन जो वहाँ के न्यूरोसर्जिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क किया डॉक्टर मे इनोसेंटी कि इस तरीके की सर्जरीज वो और देखना चाहेंगे और इससे उनकी कंट्री को और हेल्थ स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तो इस चीज़ के साथ उन्होंने मुझसे संपर्क किया, तो मैंने उनका सहर्ष स्वागत किया कि आप आएँ और हमें खुशी होगी कि अगर आप लाइफलाइन आते हैं तो, और यहाँ पे हम जो भी हमारा जो वर्क है वो हम आपको दिखा सकेंगे। तो इस पिछले महीने के आखिर में डॉक्टर मयांडी अंगोला से आजमगढ़ आए और उन्होंने
आजमगढ़ लाइफलाइन हॉस्पिटल में जो हम लोगों के रूटीन ऑपरेशंस होते हैं, ये लगभग एक महीने के प्रवास पे ऑब्जर्वरशिप पे आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ पे तमाम केसेस, अभी भी इन्होंने तमाम केसेस दिखे। और सबसे आश्चर्यजनक जो इन्हें लगा कि हम लोग ये इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स केसेस जीरो कॉम्प्लिकेशंस के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल है ये कोट करना जीरो, क्योंकि न्यूरो सर्जरी में एक अच्छा रिजल्ट देना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और न्यूरो सर्जरी में अगर आप इस तरीके के रिजल्ट्स की बात करते हैं तो आमतौर पे ये अविश्वसनीय माना जाता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से लाइफलाइन में ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, लेकिन ये बहुत ही अनकॉमन घटना है। और हम लोग दुनिया में हो रहे जितनी भी न्यूरो सर्जिकल केसेस हैं, जितनी वैरायटी के न्यूरो सर्जिकल केसेस हैं, चाहे वो ब्रेन के हों चाहे वो स्पाइन के हों, हम लोग यहाँ पे नियमित रूप से करते हैं। ये भगवान की कृपा से एक बहुत हैवी बल्क सेंटर है और उससे भी बड़ी ईश्वर की कृपा ये है कि एक अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड सेंटर है। और इन सब चीज़ों को देख करके डॉक्टर मे काफ़ी प्रभावित हुए और इन्होंने ये तय किया कि ये अंगोला के न्यूरो सर्जरी के लेवल को इम्प्रूव करने में इन्होंने हमसे हमारी मदद मांगी। डॉक्टर मे के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, ये 25 साल पुराने न्यूरो सर्जन है। आज 1998 में ये न्यूरो सर्जरी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके थे और इन्होंने दुनिया में जगह जगह इन्होंने घूमे और वहाँ पे इन्होंने तमाम तरीके के एक्सपीरियंसेस देखे। लेकिन इनका एक्सपीरियंस पिछले 25 साल में जब ये लाइफलाइन में आए तो एक काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था। यहाँ पे इन्होंने हर चीज़ को एक अपने मन माफिक पाया कि इन चीज़ों को, इतनी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज को भी इतने अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से, विदाउट कॉम्प्लिकेशन किया जा सकता है। तो इन्होंने ये तय किया कि ये वहाँ पे जो न्यूरो सर्जिकल लेवल है उसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमसे एक हेल्प के लिए, कोलेब्रेशन करने के लिए ये इच्छुक थे। फिर हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की और हमने ये तय किया कि अंगोला के हेल्थ स्ट्रक्चर को, न्यूरो सर्जिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में जो स्किल का पार्ट है, जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है, उसमें हम इनकी हेल्प करेंगे। और फॉर द टाइम बीइंग के लिए जो भी पेशेंट कॉम्प्लेक्स केसेज हैं जिनका इलाज अंगोला में नहीं संभव, न्यूरो सर्जरी के जो ऐसे पेशेंट हैं, उनको हम लोग लाइफलाइन में यहाँ पे ला करके इनको यहाँ ऑपरेट करेंगे। और जो पेशेंट भी वहाँ ऑपरेट हो सकते हैं उसके लिए हर तरीके की स्किल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हम लोग इनको वहीं पे प्रोवाइड करेंगे। इनके स्टाफ की ट्रेनिंग, इनके यहाँ तक कि इनके जो न्यूरो सर्जिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनमें भी इन्होंने ये तय किया कि इनके जो रेजिडेंट्स हैं, जो प्रशिक्षु न्यूरो सर्जन हैं, उनको भी उनकी ट्रेनिंग को बेहतर बनाने के लिए उन्हें ऑब्जर्वरशिप पे ये उन्हें भी यहाँ भेजेंगे। तो इस तरीके से एक बड़ा यूनिक रिलेशन जिसमें हर तरीके से हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि एक देश को हम लोग सहायता करें, वहाँ के मेडिकल न्यूरो सर्जिकल सेंटर्स को, इक्विपमेंट्स को, उनके जो उनकी कैपेबिलिटीज़ है उसको और बेहतर बनाने में मदद करें। और इस तरीके के रिलेशन पे हम लोग आगे बढ़ने के लिए अब उन्मुख हैं। आपके हॉस्पिटल की स्ट्रेंथ काफ़ी हाई है, तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम आ सकती है सपोर्ट करने में, पेशेंट ओपीडी वगैरह में? देखिए, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में अगर अंगोला से रेजिडेंट्स, न्यूरोसर्जन्स आजमगढ़ आकर के ऑब्जर्वरशिप के रूप में यहाँ के केसेस देख रहे हैं, यहाँ का मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो उसमें एक बल्क सेंटर जाहिर सी बात है उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा और इससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जब केसेस देखने को मिलेंगे तो उनकी एक मदद होगी। कई बार हेल्प इस तरीके से नहीं होती, हम अगर जा करके वहाँ पे हमने दो पेशेंट ऑपरेट कर दिया अंगोला में तो उससे बल्क हेल्प नहीं होगी, सिर्फ दो इंसानों का भला होगा जिनकी ऑपरेशन होगी। लेकिन अगर हम वहाँ के दो न्यूरो सर्जन को ट्रेन कर देंगे एक एडवांस सर्जरी में तो वो रोज़ दो लोगों की हेल्प करेंगे, तो एक बहुत बड़ी चेन बन जाएगी। तो हमारी सोच स्किल के डेवलपमेंट पे है कि हम वहाँ के लोगों को उस लेवल पे पहुँचा दें जो कि इंटरनेशनल मानकों के अनुरूप हो, वहाँ की न्यूरो सर्जरी के स्ट्रक्चर को उठा दें ताकि अंगोला की एक आम जनता को बेनिफिट मिल सके। देखिए, आजमगढ़ आपको पता है दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर दूर एक बहुत ही पिछड़ा हिस्सा माना जाता था। मैं यहाँ था कहूँगा, इसलिए कहूँगा क्योंकि अगर हम देखें तो सरकार की सहायता से अब यहाँ एयरपोर्ट भी काफ़ी कुछ हद तक स्टार्ट होने करीब है और यहाँ की जनता, अगर मेडिकल टूरिज्म आजमगढ़ में डेवलपमेंट हो रहा है, उसका डेवलप हो रहा है और बांग्लादेश से अभी रिसेंट में आपने देखे कि 3 पेशेंट यहाँ पे आए, इलाज करा के गए, तो अगर
बाहर के लोग आजमगढ़ आ रहे हैं, यहाँ इलाज ले रहे हैं। तो अगर आप छोटी से छोटी चीज़ सोचें, चाहे वो एक चाय की दुकान वाले की, उन्होंने एक चाय पी, उन्होंने एक रिक्शे वाले से बैठ करके उसे कुछ जगह यात्रा की, तो एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी, और यहाँ पे चाहे कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, मैं उस चीज़ के लिए मैं कहूँगा, एक कोई भी व्यक्ति जिसका व्यवसाय छोटा है या जिसका व्यवसाय बड़ा है, तो हर व्यक्ति यहाँ बेनिफिटेड होता है। अल्टीमेटली हर व्यक्ति की इकोनॉमी इम्प्रूव करती है और इससे राष्ट्र की इकोनॉमी इम्प्रूव करती है, तो कहीं ना कहीं से हमारे देश का सम्मान एक तो दूसरे देशों में बढ़ता है, हमारा एक आम आदमी विकसित होता है और इससे पूरे कंट्री की इकोनॉमी इम्प्रूव करती है। तो मेडिकल टूरिज़्म हमारे आजमगढ़, अगर हम लोग आजमगढ़ में बैठ करके मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं और बेहतर बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी एक तरीके की राष्ट्र सेवा है। थैंक यू। I am Dr. Mayanda Innocent. I came to Azamagar from Angola. My country is Angola. Angola is a country in need concerning the health matter. We need to treat better our patients in our country, but our technological and professional condition are not yet good. We encountered Dr. Anoop Kumar Sen, who is working very well, who is an international neurosurgeon, and he received me here. So we need his help. We need Azamagar and India support to help our patient. Even coming here, even to have the team from India, from Azamagar to Angola to perform surgical that we cannot make alone. So I ask you from India a help for our country. This is my important note I would like to leave here. Help from India. Help for Azamagar, help for Dr. Nu, for our sick people. We also want to address a very kind and important message to a first Premier Minister from India who can take particular interest concerning our needs in Angola. Maybe he can also help us to see this collaboration, which can help many Angola patients. So this message is really for him. I am sure that he can take care of us. I think that he can help us, because from Lifeline Center, for Lifeline Hospital, I think it's possible. Only we need his help to take care of our conditions. मेडिकल टूरिज्म के बारे में, तो वी आर नाउ इन द पार्ट ऑफ हील इन इंडिया में, अब हील इन आजमगढ़ भी हम लोग कर रहे हैं कि इंडिया का जो हील इन इंडिया का जो सर ने बताया प्रोजेक्ट, उसमें अपने आजमगढ़ को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। वी आर जस्ट हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू से इसको प्रमोट कर रहे हैं। सर ने जो बांग्लादेश के जो ट्रीटमेंट किया था वो बहुत, उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, और वहाँ से भी उन लोग के मैसेज आते हैं, कुछ अपने स्टाफ हैं इन लोग को मैसेज आते हैं, तो उसको हम लोग और प्रमोट करें। और यहाँ के पब्लिक से भी बोलेंगे कि थोड़ा सा अगर टूरिज़्म बढ़ रहा है, अगर ऐसे लोग आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा कंपेरेटिवली अच्छा लें, एक पॉजिटिव सेंस मिले।